दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में लिस्ट में नाम कैसे चेक कर सकते हैं, ताकि अगर मैं रजिस्ट्रेशन किए होंगे या करवाए होंगे तो आप उसका नाम चेक कर सकते हैं कि है या नहीं है, और अगर है भी तो किनको मिल गया है और किनको नहीं मिला है, तो आप अपने गाँव अड़ोस पड़ोस को भी चेक कर सकते हैं और अपना भी कर सकते हैं। तो ये कैसे करना इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, और ये भी मालूम पड़ जाता है कि कब कब कितनी तारीख को डेट में पैसा आया था। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको अपना अगर मैं नाम नहीं हुआ तो उसे रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको चेक कैसे करते हैं कि आपका नाम है या नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप बिहार से, यूपी से, जहाँ से भी होंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, बट इस वीडियो में देख लीजिए कि आपको लिस्ट में नाम कैसे चेक करते हैं। उसके लिए आपको गूगल में जाना है, क्रोम ब्राउज़र में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको टाइप करना है PMAYG.NIC.IN। उसके बाद आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे सर्च करेंगे तो उसके बाद कुछ इस तरह का आएगा, देखिए यहाँ पे कुछ पॉपअप आएगा, आपको इसको हटा देना है। ठीक है, जैसे पॉपअप हटेगा यहाँ पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना वाला यहाँ पे घर दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक जो चल रहा है ना, इधर जो जा रहा है लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है, अब आपको यहाँ ये देखिए चलता रहेगा। जैसे कि चार नंबर पर जब आएगा ना, तो वहाँ पे आपको क्लिक हेयर पर आपको क्लिक करना है, जैसे कि ये जा रहा है, तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, बट आप लोगों को भी ये वेट करना है। देखिए यहाँ पे चार नंबर आएगा, जैसे कि एक नंबर चला गया, अभी ये दो नंबर आ रहा है, ठीक है, अब ये तीन आएगा, उसके बाद चौथा नंबर पर आएगा, तो मैं बता रहा हूँ, तब तक मैं इसको जाने देता हूँ। तो आप लोग भी जब चलता रहेगा तो इसको जाने दीजिएगा, जब तक चार ना आए तब तक आपको क्लिक नहीं करना है। बट तब तक मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप जरूर कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आप कहाँ के हैं, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। अगर मैं नाम नहीं होगा, ठीक है, तो आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए अभी ये तीसरा हो गया, अभी चौथा आने वाला ही है, तो यहाँ पर देख सकते हैं चौथा आ गया, ठीक है, यहाँ पर चार नंबर वाला आ गया। अब आपको यहाँ पर और इसको जाने दीजिएगा, अब यहाँ पे क्लिक हेयर पर क्लिक करना है, अभी थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए अपनी ग्राम पंचायत की, ठीक है, और इसको जाने दीजिएगा, देखिए आ गए। डाउनलोड करने के बाद क्लिक हेयर पर आपको, है ना, यहाँ पे ऑप्शन आपको चलते रहेगा, उसके बाद आपको एक बार इस पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑल स्टेट, मतलब आप कहीं का भी होंगे, इंडिया के अंदर किसी का भी स्टेट के होंगे, आप अपना चेक कर सकते हैं। आपको इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप कहाँ का चेक करना चाहते हैं वो अपना देख लेना है, ठीक है। जैसे कि मेरे को उत्तर प्रदेश का देखना है, तो मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है, ठीक है, मतलब डिस्ट्रिक्ट, तो आपका जिस भी डिस्ट्रिक्ट आते होंगे वो अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं गोरखपुर, और उसके बाद आपको नीचे आना है, उसके बाद आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है। ये ब्लॉक आएगा, तो आपका जिस भी ब्लॉक में होगा वो आपको ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आएगा यहाँ पे, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपको यहाँ पे अपना गांव चुना है, तो आपको इस पर क्लिक करना है, जिस गांव के आते होंगे वो आपको गांव सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अपना गांव सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर नाम आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 15+50 आपको कितना होता है, मतलब 15+50 65 होता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर 65 टाइप कर देता हूँ। अगर मैं समझ में नहीं आएगा तो इस पर चेंज कर लीजिएगा, उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको कुछ देर वेट करना है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे चले हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे आप बेनिफिशियरी नाम देख सकते हैं, ठीक है, बेनिफिशियरी मतलब किसके नाम से ये आवास को अप्लाई किया गया था, उनका नाम यहाँ रहेगा, उनके फादर का नाम यहाँ रहेगा, ठीक है, और ये देखना कि उनका आया है या नहीं आया, उसके वाला ये जो नंबर दिख रहा है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको इस पर क्लिक करना है। जिसे इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इनका, अभी मैं बताता हूँ इनका आया है या नहीं आया, ठीक है, यहाँ पर इनका पूरा फोटो वोटो तो नहीं दिखा रहा, बट हाँ इनका आया है, राइट, यहाँ पर देख सकते हैं इनका, मतलब ये यहाँ पे आया है, 40,000 आया है, एक बार 40,000, कितने डेट को आया है, यहाँ पे सारा चीज दिखा रहा है, ठीक है, मतलब इनका 1,20,000 आया है, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, इनका फ़ोटो भी यहाँ पे दिखाएगा, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है इनका फ़ोटो भी, ठीक है, तो आप लोग, मतलब आप लोग इसे देख सकते हैं, और मैं बता दूँ कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं आया है तो कितने तारीख को डेट को आया था, यहाँ पे खुद आप लोग ट्रैक कर सकते हैं।
और उनका जो भी फोटो अपलोड किया गया रहेगा उनका दिखाएगा। जिन घर में आपका फोटो अपलोड नहीं हुआ होगा तो फोटो अपलोड करेंगे तभी पैसा भी आएगा। अगर मैं फोटो अपलोड नहीं करना होता हूँ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इसलिए वीडियो नहीं बनाता हूँ क्योंकि अगर मैं वीडियो भी बनाएंगे कोई नहीं दिखेगा तो कोई फायदे का नहीं रहेगा, ठीक है। अब आपको अगर मैं पीछे जाना है बैक जाइएगा यहाँ से और फिर से दूसरे का क्लिक करना होगा तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं फिर से इसमें क्लिक कर देता हूँ, देखता हूँ इनका आया है या नहीं। अब यहाँ पे देखिए इनका दूसरा नाम आ गया, ठीक है। अब इनका कौन सा बैंक था यहाँ पे पूरा बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बार 40,000 आया है, उनका दूसरा बेर 70,000 आया है और तीसरा बेर 10,000 आया है, मतलब 120,000 आया है इनका, ठीक है। तो इन लोग वो देखते हैं कि कौन सा और कैसे मतलब घर बनाया जाता है, वैसे ही फोटो अपलोड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनका भी घर ऐसे ही कुछ, यहाँ पे देख सकते हैं फोटो इनका भी अपलोड हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह अपना चेक कर सकते हैं कि आया है या नहीं आया। तो आप लोग लिस्ट में नाम देखिए जो भी आपका ग्राम राम होगा, और हमें बता दूँ कि आपको अगर मैं बिहार के होंगे तो बिहार भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। बिहार का भी आप लोग बिहार वार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, तो बिहार का भी ये दिखा देता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आए, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा।